हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं 15 वीडियो के क्रैश कोर्स का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ये कोर्स आपका RPF SI कॉन्स्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन, क्योंकि कथन निष्कर्ष से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे जा रहे हैं। चाहे वो आपका ALP का एग्जाम हुआ, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, फिर ग्रुप डी का हुआ, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो स्पेशल कथन निष्कर्ष की मैं 2-3 वीडियो लेके आने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। तो आपको एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है। और आगे की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लेने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और वीडियो के टाइमिंग देख लीजिए, सुबह आपको रीजनिंग की मिलेगी, रात को आपको मैथ की मिलेगी 8-9 बजे के बीच में, और 10 बजे आपको डेली GK का टेस्ट मिलेगा। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को जरूर लाइक भी करेंगे और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की वीडियो। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से। कथन निष्कर्ष के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे RPF SI कॉन्स्टेबल में। आप देख लेना, जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इनके ही आधार पे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया जा रहा है कथन में, कुछ ओस बूंदे हैं, सभी बूंदे पत्थर हैं। तो ये आपका वेन डायग्राम बनाने वाला क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो कुछ ओस बूंदे हैं, तो आपने क्या क्या, ओस का एक गोला बनाया ओस, और कुछ ओस बूंदे हैं, तो आपने हल्का सा कट लगा के कुछ ओस बूंदे बना दी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इतना कर लेंगे। ठीक है, मुझे पता है सभी बूंदे पत्थर हैं। अब सभी बूंदे पत्थर कब हो सकती हैं, आप खुद सोचिए। जब बूंदों के जो ये बूंद वाला वेन डायग्राम है, इसके ऊपर को पत्थर वाला वेन डायग्राम आ जाएगा, तो उस कंडीशन में सारी की सारी बूंदे पत्थर हो जाएगी। ठीक है भाई, ये आपका वेन डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब इसमें पढ़ते हैं हम निष्कर्ष। निष्कर्ष है सबसे पहला, कम से कम कुछ ओस पत्थर हैं। कम से कम कुछ ओस पत्थर है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पत्थर और ओस का ये वाला हिस्सा कुछ वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओस को पत्थर वाला इस तरीके से कट करके गया है, तो इसका मतलब कुछ, कम से कम कुछ ओस पत्थर है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट राइट है। फिर दूसरा है, कम से कम कुछ पत्थर बूंदे हैं, तो आपका ये भी बिल्कुल सही है। कम से कम पत्थर और बूंदे, ये तो कम पूरे सभी के सभी पत्थर सॉरी बूंदे पत्थर हैं, तो कम से कम कुछ बूंदे तो पत्थर होंगी होंगी। ठीक है, जब सभी वाली कंडीशन होगी, तो कुछ न कुछ, कम से कम और कुछ न कुछ वाली कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई हो ही जाएगी। यानी कि ऑप्शन 1, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 आपके दोनों राइट हो जाएंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं निष्कर्ष 1 और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन D राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कथन निष्कर्ष में, ये है सभी वाली कंडीशन, जिसमें सब वाली कंडीशन होती है। देखिए, जैसे ये लिखा है सभी जानवर कुत्ते हैं, तो आपने क्या क्या, सबसे पहले एक जानवर का वेन डायग्राम बनाया और सभी के सभी जानवर कुत्ते हैं, तो इसका मतलब कुत्ते वाला वेन डायग्राम जानवर के ऊपर को आएगा। ठीक है भाई, ये दो आपने लाइनें कवर कर ली। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है सभी कुत्ते पक्षी हैं। अब सभी कुत्ते पक्षी कब हो सकते हैं, जब कुत्ते के ऊपर को, जो कुत्ते वाला वेन डायग्राम है, इसके ऊपर को पक्षी वाला वेन डायग्राम आ जाए, तो सभी कुत्ते पक्षी हो गए। अब सभी वाली कंडीशन में आप देख रहे हैं सभी जानवर कुत्ते हैं, सभी कुत्ते पक्षी हैं। अब छोटी सी चीज़ मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, निष्कर्ष पे जाने से पहले। यहाँ पे जो भी चीज़ें अंदर होंगी, जो इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, अगर यहाँ पे बोला जाता है कि सभी के सभी जानवर पक्षी हैं, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि पक्षी के जो पक्षी है, ये सबसे बाहर वाली लाइन है, और इसके अंदर कुत्ते और कुत्ते के अंदर जानवर है, तो इसका मतलब सभी के सभी जानवर भी पक्षी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन याद रखिएगा। बाकी हम निष्कर्ष पढ़ते हैं क्या क्या दे रखे हैं। सभी जानवर पक्षी हैं, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सभी जानवर पक्षी है, तो सभी जानवर पक्षी है, तो बिल्कुल सही है। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि सभी के सभी जानवर पक्षी है, तो क्योंकि पक्षी वाला बाहर है वेन डायग्राम, तो बिल्कुल ये आपका फर्स्ट राइट है। दूसरा बोला जा रहा है सभी पक्षी जानवर हैं, तो सभी पक्षी जानवर नहीं हो सकते। देखिए, सभी पक्षी जानवर, देखिए पहले बोला सभी जानवर पक्षी है, ये सही है। दूसरे वाला बोला जा रहा है सभी पक्षी जानवर है, यानी कि जो पक्षी ये है,
इसके ऊपर को अगर जानवर वाला वेन डायग्राम होता तो ये कंडीशन फुलफिल होती, अदरवाइज सभी पक्षी जानवर कभी नहीं हो सकते क्योंकि जानवर पक्षी के अंदर है। ठीक है, तो केवल आपका निष्कर्ष फर्स्ट वाला सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, बाकी और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है आपका सभी फाइलें कागज हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सभी फाइलें, आपने एक फाइल का इस तरीके से वेन डायग्राम बना, सभी की सभी फाइलें कागज है, तो ये आपने दूसरा इस तरीके से बना दिया, तो सभी फाइलें कागज है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है ना वैसे वैसे करिए, वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। नेक्स्ट सेकंड वाला बोला जा रहा है कुछ कागज पुस्तकें हैं, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कुछ कागज पुस्तकें हैं, तो आपने ये कागज वाला वेन डायग्राम में हल्का सा कट लगाया और पुस्तक वाला वेन डायग्राम से कट कर दिया, तो ये वाली कंडीशन क्या सेटिस्फाई करती है कि कुछ कागज, ये कुछ कागज पुस्तकें हैं। ठीक है, चलिए तीसरी लाइन में लिखा है कि कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, तो आपने ये भी बना दिया, कुछ पुस्तकें पुस्तकें में हल्का सा कट लगाया और इस तरीके से पत्रिकाएं बना दिया, तो कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, ये भी आपका सेटिस्फाई हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इसको पढ़ के देख लेते हैं। पत्रिकाएं हैं, निष्कर्ष क्या कह दिए हैं, सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं, सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं। देखिए फाइलें और पत्रिकाएं में कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया, फाइलें यहाँ पे हैं, पत्रिकाएं यहाँ पे हैं, तो जब किसी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बताया जाता है तो हम उसको क्या मानते हैं कि उनके बीच में रिलेशन है या नहीं है, हमें नहीं पता है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बताया गया, आपका जो कथन है उसमें नहीं बताया गया, तो वो कहना कुछ भी हमारे लिए गलत होगा इसके बारे में। ठीक है, तो सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं या नहीं है हम इसको नहीं बोल सकते, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बोला है सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं हैं, सभी पुस्तकें जो ये आपकी सभी पुस्तकें हैं पत्रिकाएं नहीं हैं, तो ये आपका राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था कि कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, तो यहाँ पे कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, इसका मतलब हमें क्लियर कर दिया गया है कि कुछ पुस्तकें ही पत्रिकाएं हैं, तो इसका मतलब सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं हैं, तो क्वेश्चन में आपके यही बोला गया कि सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं हैं। यहाँ पे सेकंड वाले पे ध्यान दीजिएगा, सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं हैं, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं, कथन में बोला गया कि कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, इसका मतलब हमें पता है कि कुछ पुस्तकें ही पत्रिकाएं हैं, सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं हैं, तो इसका मतलब आपका सेकंड वाला राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है भाई, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए और साथ साथ में आप खुद भी ट्राई करते रहा करें, आप क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर लगाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ऐसे आप ट्राई करते रहेंगे तो ये आपका एक समझ लीजिए टेस्ट भी चल रहा है। ठीक है, बाकी मैं तो आपको कराता ही रहूँगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे कथन में दिया गया है कि मौसम विज्ञापन के विभाग ने वर्तमान मानसून के दौरान देश भर में सामान्य वर्षा का पूर्ण अनुमान किया है। यहाँ पे कार्यवाहियाँ क्या हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले कथन को एक बार और पढ़ते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं क्योंकि सब कुछ इसी में ही छिपा होता है। मौसम विज्ञापन के विभाग ने वर्तमान मानसून के दौरान देश भर में सामान्य वर्षा का पूर्ण अनुमान किया है, यानी कि मौसम विज्ञापन जो विभाग है उसने बताया कि वर्तमान मानसून के दौरान सामान्य वर्षा हो सकती है। ठीक है, ये पूर्ण अनुमान लगाया जा रहा है कि सामान्य वर्षा हो सकती है। ठीक है, आपका नेक्स्ट देखती है, ये देखते हैं सबसे पहला कार्यवाहियाँ, यहाँ पे दिया गया है सरकार को वर्तमान वर्षा के लिए खादानों की खरीद कीमत घटा देनी चाहिए। अब मुझे ये बताइए खादानों की खरीद कीमत या फिर किसी भी सरकार के रिलेटेड कोई बात की गई कथन में, नहीं की गई ना, तो हमें कुछ नहीं मतलब है, एक सेकेंड से पहले इसको कट कर दीजिए, हम इसको कभी भी आंसर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, दूसरे वाला पढ़िए, सरकार को वर्तमान वर्षा के लिए उर्वरकों पर सहायकें घटा देनी चाहिए, तो इससे भी हमारा कोई मतलब नहीं है, सरकार का तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं की गई है ना। पूरा स्टेटमेंट पढ़िए, पूरी कथन पढ़िए, कहीं पे भी आपको सरकार का कोई भी यहाँ पे बातचीत नहीं लगेगी, तो ये आपका दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। देखिए इसको करने के दो तरीके होते हैं, सबसे पहले कथन को पढ़िए, कथन में क्या बोला गया है उसमें आपका एक आंसर छिपा होगा, जो नीचे आपका कंक्लूजन होगा, ठीक है, निष्कर्ष जो होगा आपका उसमें एक आंसर होगा, वो आंसर आपको बताना होगा ऊपर के कथन के अकॉर्डिंग, प्लस आपको एक चीज़ यहाँ पे देखनी होगी कि जो नीचे लिखा होता है उसका ऊपर से रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है,
वो कुछ ये नहीं कि ऊपर कथन में कुछ लिखा है और नीचे निष्कर्ष में कुछ भी लिख देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर ऊपर मौसम विज्ञापन के विभाग के वर्तमान मानसून के बारे में बात की गई है तो नीचे भी उसी के बारे में बात होनी चाहिए, सरकार और दूसरी चीज़ों के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप ट्राई करिए मेरे बोलने से, एक बार इसको ट्राई करिए और इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए और इसको देखिए एक बार कि आप इसको सही कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का कथन बोल रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वालों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। यहाँ पे कथन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो शहरी क्षेत्र के स्कूल है उनमें छात्रों को स्कूल छोड़ना, छात्रों के में सरकारी स्कूलों का छोड़ना की काफ़ी संख्या में वृद्धि हुई है, ये हमें पता चल रहा है। यानी कि जो सरकारी स्कूल है उनको छोड़ रहे हैं शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है सरकार को शहरी क्षेत्र के ऐसे सभी स्कूल तत्काल बंद कर देने चाहिए जिनमें स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 20% से अधिक है। तो आप मुझे ये बताइए, कथन जो है उसका कोई ये कंप्लीट सॉल्यूशन है भाई? अगर शहर के स्कूल, शहरी क्षेत्रों के स्कूलों, सरकारी स्कूलों से बच्चों के छोड़ने की संख्या में वृद्धि हो रही है तो ये कहीं का उसका कोई सॉल्यूशन है? नहीं है ना, तो इसको हम कट कर देंगे क्योंकि ये कोई भी उसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। स्कूल बंद करने से 20% अगर स्कूल छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब 80% बच्चे कहाँ जाएंगे? ठीक है ना, सोचने वाली बात है क्योंकि कथन और निष्कर्ष का एक यही है कि आपका दिमाग कितना चलता है। ठीक है, तो पहले वाला आपका कभी भी राइट आंसर नहीं बन सकता। दूसरे वाला है कि शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वाले सभी विद्यार्थियों के माता पिता को दंडित किया जाना चाहिए। अब ये एक कानूनी तौर से अगर देखा जाए तो ये कानूनी तौर से सही नहीं है। किसी के भी माँ बाप को दंडित करना कानूनी तौर से सही नहीं है तो ये भी आपका राइट नहीं हो सकता है। तो आपको मोटा मोटा सा ये देखना है कि कितना कथन और निष्कर्ष का एक रिलेशन है, कितना वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। दूसरा, उसका कंप्लीट आंसर या कंप्लीट सॉल्यूशन उस निष्कर्ष में छिपा है या नहीं छिपा है। तो एक दोनों के दोनों में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, यानी कि इसमें भी आपका कोई सभी ऑप्शन राइट नहीं होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपने इसका राइट आंसर कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए। कथन दिया गया, ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय बैंक कर्मचारियों के अखंड तौर तरीके के खिलाफ कई ग्राहकों ने बैंक की स्थानीय शाखा के प्रबंधक से शिकायत की। यानी कि अखंड तौर तरीके के खिलाफ ग्राहकों ने बैंक के स्थानीय शाखा के प्रबंधक को शिकायत की है, हमें ये पता चला है। ठीक है, तो इसमें निष्कर्ष क्या क्या निकल सकते हैं इसको देख लेते हैं। बैंक प्रबंधन को सभी कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर देना चाहिए और दूसरे कर्मचारियों को तैनात करना चाहिए। तो ये इतना आसान सा स्टेप नहीं है और ना ही ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये तो आपका कभी भी राइट आंसर नहीं बन सकता है। आप भी एक बार थोड़ा सा सोच के देखिए कि एक बैंक में जितने भी कर्मचारी वर्क करेंगे उनको हटाना और उनकी जगह एक नए कर्मचारी सारे के सारे लेके आना, ये कोई भी उसका सॉल्यूशन नहीं है। दूसरे ये हो सकता है कि वहाँ पे तो और बहुत सारे अलग अलग तरीके से मैनेज किया जा सकता है, जैसे कुछ रूल रेगुलेशन बना दिए जाएं, वहाँ पे CCTVs कैमरेज लगा दिए जाएं, या एक दो कर्मचारी उनकी निगरानी में खड़ा कर दिया जाए कि ये अच्छे से वर्क करते हैं नहीं करते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है। उनको वहाँ से निलंबित करना एक इसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, दूसरे वाला यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आवश्यक कदम उठाने के लिए बैंक प्रबंधन को शाखा के प्रबंधक से रिपोर्ट मांगनी चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि सबसे पहले आवश्यक कदम उठाने के लिए, कोई भी कदम उठाने के लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट्री मतलब उसको चाहिए कि वहाँ पे उठाने के लिए बैंक प्रबंधन जो भी होगा को शाखा के प्रबंधन से रिपोर्ट मांगनी चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर ये रहेगा आपका सेकंड वाला। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वह आरेखा चुनिए जो नीचे दिए गए एक वर्ग के बीच संबंध का सही निरूपण
करता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, वह आरेखा चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के सही के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो यहाँ पे दिया गया है स्तनपाई, कुत्ता और चमगादड़। अगर मैं बात करूँ स्तनपाई की, तो कुत्ता और चमगादड़ दोनों ही स्तनपाई होते हैं। तो इसका मतलब आपको एक ऐसा वेन डायग्राम देखना पड़ेगा कि जो तीनों के बीच में रिलेशन को शो करता हो। ये वाला तीनों के बीच में नहीं कर रहा है, दो के बीच में कर रहा है, एक को अलग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हट जाएगा। ये तीनों के बीच में कुछ वाली कंडीशन को बोल रहा है, तो कुछ वाली कंडीशन भी कभी नहीं हो सकती है। और ये सब वाली कंडीशन को बोल रहा है, तो सब वाली कंडीशन भी कभी नहीं हो सकती है। यहाँ पे बोला जा रहा है कुत्ता और चमगादड़ दोनों स्तनपाई है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों कुत्ता और चमगादड़ दोनों अलग अलग हैं, बट दोनों के दोनों स्तनपाई है, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सिंपल से वेन डायग्राम के क्वेश्चन आने वाले हैं, और ज़्यादातर वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपके इन चार से ही बन जाएंगे। एक और आ जाता है ये तीन वाला अलग, यानी कि कोई भी तीन चीज़ें आपको दे दी जाएगी जो एक दूसरे से रिलेट नहीं करते होंगे, तो उनका वेन डायग्राम ये हो जाएगा। ठीक है, एक आपका ऐसा दे दिया जाएगा कि दो रिलेट करते होंगे एक दूसरे से और तीसरा नहीं करता होगा, तो तब ये वाली कंडीशन होगी। एक आपका दे दिया जाएगा कि एक चीज़ जो होगी उसमें कुछ दोनों की, मतलब दो अलग से जो चीज़ें दी होगी वो कुछ कुछ को कंडीशन को सेटिस्फाई कर दी होंगी, तो ये वाली कंडीशन आपकी तब हो जाएगी। एक आपका ये होगा कि जब कोई तीन चीज़ें एक दूसरे पे कम्प्लीटली डिपेंड होते हुए चलेंगी, यानी कि पहले वाली जो होगी ये कम्प्लीट दूसरे को कवर कर लेगी, दूसरे वाली तीसरे को कवर कर लेगी। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस मैं आपको धीरे धीरे सारे करा दूंगा, बस आप सारी वीडियो को देखिएगा, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, 15 पार्ट जितने भी आएंगे सारे देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृतियों के प्रतिरूप को पूरा करेगी। प्रश्न आकृति आपकी ये है और उत्तर आकृति ये चार है। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चल रहा है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे आपका अगर देखा जाए तो ये तीन लाइनें हैं। बस आप इस वाली फिगर को यहाँ पे बनाने की कोशिश भी मत करना, बस किसी भी एक को देख लीजिए। अगर मैं इसकी बात करूँ सामने की, इसमें तीन लाइनें हैं, तो एक आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें तीन लाइनें, तो ये आपको दिख रही होगी। तो तीन तो इसमें भी आपको दिख रही है, तीन इसमें भी दिख रही है, तीन इसमें भी दिख रही है, और तीन इसमें भी दिख रही है। फिर नेक्स्ट आपको देखना है कि ये वाली लाइन आपको शो होनी चाहिए उसमें, इस तरीके से कट करके। ठीक है, तो इसमें अगर मैं देखूँ यहाँ पे तीन लाइनें, तो ये ठीक है, ये तो मैं इस तरीके से भी घुमा के रख सकता हूँ, बट इसमें ये दो लाइनें इस तरीके से कट कर रही है, तो दो लाइनें यहाँ पे कट नहीं हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वाली लाइन देखिए और ये वाली लाइन देखिए, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं यहाँ पे कर बात करूँ तो ये वाली इसको सेटिस्फाई नहीं करती है, क्योंकि ये जो ये वाली लाइन है आपकी, ये बहुत आगे हो गई है। ठीक है, ये यहाँ पे आ गई। फिर अगर इसमें बात करूँ तो ये इस तरीके से भी आगे नहीं है, ये जो कट है ये पीछे की तरफ है, ये इस चोंच की तरफ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो राइट आंसर इसका बी रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को ट्राई करिए और राइट आंसर का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो ऐसा करता हूँ कि आपने वीडियो को रोक करके क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कर दिया होगा। यहाँ पे पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति चुनिए, इनमें आपको एक अलग होगी आकृति विषम होगी, वो आपको बतानी है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें विषम आकृति की, तो इसमें बस आपको एक ही चीज़ देखनी है, ये नीचे वाला, ये भी ऊपर को है, ये भी ऊपर को है, ये भी ऊपर को है, बट ये नीचे को है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना होता है, इनमें आप पूरा पैटर्न नहीं देख सकते हैं कि ये इस तरीके से खड़ा है, ये इस तरीके से लेट गया, ये थोड़ा सा झुक गया, ये भी थोड़ा सा झुक गया। इस तरीके से आप इनको कभी भी आंसर को नहीं लगा सकते। इसमें किसी भी पॉइंट को पकड़िए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। अगर नहीं मिलता है तो फिर अलग अलग देखिए। सबसे पहले आप इसको चेक करिए, भाई ठीक है तीनों एक जैसे हैं। फिर अगर देखें डंडा भी एक जितना ही है सभी का। फिर अगर मैं नीचे की बात करूँ तो फिर नीचे भी ऑप्शन आ जाएगा ना, फिर ये ऊपर को है, ये ऊपर को है, ये नीचे को हो गया भाई, ये भी ऊपर को है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एक देख लेते हैं ब्लड रिलेशन से। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐड कर लिया मैंने, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल है। यहाँ पे दिया गया यदि बी यह कहे कि उसकी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है। बी ये बोल रहा है कि उसकी माँ, यानी कि बी की माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो ए और बी के साथ क्या संबंध रखता है, ए बी के साथ क्या संबंध रखता है। तो यहाँ पे आप छोटा सा ये देखिए कि यदि बी यह कहे कि उसकी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो आप क्या करेंगे। ए आपने यहाँ बनाया, ए की माँ की इकलौती पुत्री है, किसकी, बी की माँ, यानी कि बी की माँ ये हो जाएगी।
भाई थोड़ा सा मतलब एक ही लाइन में सब कुछ हो रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। दोबारा बताता हूँ, यदि बी बोले बोले यह कहे कि उसकी माँ, यानी कि बी की माँ, ए की माँ, यानी कि ए की जो माँ होगी, ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? ए की इकलौती पुत्री, सॉरी, ए की माँ की इकलौती पुत्री ये होगी, किसकी माँ है? ये बी की माँ है, ये वाली बी की माँ है। पूछा है ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, तो अगर ये इसकी माँ है, ये दोनों बहन भाई हो जाएंगे, ठीक है, और ये इसका लड़का है, ठीक है, ये इसकी माँ है, तो ये बी जो भी है ये इसका मामा लगेगा, ठीक है। तो बी का जेंडर तो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है, ये लड़का है लड़की है, बट हमें ये पता चल गया कि ये मामा लगेगा इसका, ए, तो बी ए और ए के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा? मामा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल है, एक बार और दोबारा से आप ट्राई करके देखिए तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो तो पसंद आई होगी, आपको समझ में भी आई होगी और आपने वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर दीजिएगा, जिसने वीडियो को पूरा देखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे सारी PDF डाउनलोड कर लीजिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर करा रहा हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 15 वीडियो का क्रैश कोर्स, ये सारी PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाके ज्वाइन करेंगे तो सब कुछ आपको ईजिली मिल जाएगा। और आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही रहे होंगे, प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक तो आपका मर्जी है, अगर आपको समझ में आती है तो कर दीजिएगा, अगर नहीं आती है तो नहीं करिएगा। 10 बजे आपका डेली ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, अगर उसका नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो फिर भी उसको जरूर देख लिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।